आप आज की प्रश्नोत्तरी आप लोगों को भी मिलती है, चौथे नंबर के परिशिष्ट को देख लीजिए कि 24 तक जो योजना पूरी होनी है उसमें 3 साल का तो उन्होंने आंकड़ा दिया है, 1 भी साल राज्यांश की पूरी राशि उन्होंने नहीं दी है और 4 साल में उनको 74,19,000 कनेक्शन देना है, उनमें आज की स्थिति में सिर्फ 12% कनेक्शन दिया उन्होंने, 12% कनेक्शन। वो बोलते हैं कि केंद्र की राशि आने के बाद हम भुगतान, हमारी राशि से हमने भुगतान किया, जबकि उन्होंने 3 साल में अपने अंश की राशि दी ही नहीं है। और 18% में 24 तक वो कैसा पूरा करेंगे, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इस सरकार के पास किसी भी केंद्रीय योजनाओं के लिए पैसा नहीं है जो गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है। PMAY में तो मंत्री जी ने आरोप लगा दिया, वो खुला है, उसमें कोई बोलने की, इसमें भी ये चेतावनी अब जारी हो गई है कि आप यदि प्रतिदिन 5,000 नल कनेक्शन नहीं देंगे तो हम केंद्रीय अनुदान रोक देंगे। ये हालत है छत्तीसगढ़ की कि 30वें नंबर में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में है। दूसरी बात, इसमें कैबिनेट ने सेंट्रल टेंडर का निर्णय लिया तो कांग्रेस के लोगों ने आपत्ति लगाई, उसमें मुख्यमंत्री जी के पास जाके हम लोग तो भूख मर जाएंगे, बड़ी बड़ी एजेंसियां आएंगे तो करके, तो उसको डिसेंट्रलाइज करके नियम के विपरीत जो गाइडलाइन थे उसके विपरीत जाके जिलों को उन्होंने दिया। और आज की तारीख में ऐसे ऐसे लोग ठेकेदार बन गए जो कार्यकर्ता हैं किसी राजनीतिक दल के या कांग्रेस के, वो भी परेशान हैं कि 5 महीने से किसी को पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, आप लोग पता लगा सकते हैं। और किसी भी वर्किंग डिपार्टमेंट में मतलब पेमेंट आज की तारीख में सरकार कर नहीं पा रही है। और आज की तारीख में कर्जा जो पिछले बार 51,000 था वो 53,000 करोड़ तक लगभग पहुंच चुका है। ये तो सिर्फ सरकार का कर्जा है, निगम बोर्ड मंडल आदि का जोड़ोगे तो कम से कम 5,000 करोड़ कर्ज और निकलेंगे, DB इधर का जोड़ोगे तो ये सिर्फ कर्जा ले रही है राजस्व व्यय के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए सरकार कर्जा नहीं ले रही है। और जब ये सरकार छोड़ेगी तो छत्तीसगढ़ की स्थिति लंका के जैसे होगी, ये पाप ये लोग छत्तीसगढ़ के लिए करके जाएंगे, ये पापी सरकार है, मतलब ये नोट कर लीजिए, ये जनता के साथ पाप कर रही है छत्तीसगढ़ की। जी निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश के कुछ हिस्से जो हैं वह नक्सली बेल्ट हैं, ऐसे जगह पे जब टेंडर जब लगते हैं तो वहाँ पे मैदानी इलाकों के जो ठेकेदार हैं वह जाके काम करने से ना थोड़ा घबराते हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नक्सलियों को बहुत हद तक पीछे ढकेला गया है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सों में है, लेकिन निश्चित तौर पे कोई रणनीति तय करके उन हिस्सों में भी काम किया जाएगा। इस कारण बस्तर बेल्ट में थोड़ी सी विलंब हुआ है, लेकिन समय सीमा पे हम काम पूरा करेंगे।